आपकी ये मैं कोई एक से दो मिनट एक गुफ्तगू करूँगा एक नुक्ते के ऊपर एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी विथ मी. हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट का बड़ा रोल होता है. किसका रोल होता है? इंटरेस्ट का. अच्छा, इंटरेस्ट का रोल जब हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में होता है, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जिन रिश्तों में आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, जिन रिश्तों में आपका इंटरेस्ट है, उन रिश्तों के इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें. दोहराइएगा कि जिन रिश्तों में आपका इंटरेस्ट है, तो उन रिश्तों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें. जब आप रिश्तों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, तो वो रिश्ते आपके इंटरेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो जब वो रिश्ते आपके इंटरेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर किसी बैरूनी कुव्वत को, किसी आपके सरबराह को ज़रूरत नहीं होगी आपको मोटिवेट करने की, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने की. क्योंकि देखिए, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत बड़े, बहैसियत घर के कैरेक्टर के, आप सब लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ जहाँ डिसंगेज होते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म करते हैं, वहाँ पर मसाइल का सामना होता है. और जब आपको मसाइल का सामना हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो इंटरेस्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. और हम क्या करते हैं, हम लोगों की खुशी में इंटरेस्ट ज़रूर लेते हैं, लेकिन किस चीज़ का इंटरेस्ट लेते हैं लोगों की खुशी में, कि मुझे उसकी खुशी में ये वाला इंटरेस्ट है कि वो तो खुश है, वो तो खुश है. आगे मैं बात ना करूं तो आप तक बात पहुंची गई हो. अगर हम अपनी खुशी में इंटरेस्ट लें और इस बात के साथ मत जोड़ें अपने इंटरेस्ट को कि कोई खुश है या कोई खुश नहीं है, मेरा खुश होना अपनी हद में रहकर मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये होता है आपका अपने आप में इंटरेस्ट. ये खुद गर्जी वाला इंटरेस्ट नहीं होता, ये वो वाला इंटरेस्ट है जिसका खुदा भी हुक्म देता है हमें कि आप अपने अंदर दिलचस्पी लें. जब आप अपने अंदर दिलचस्पी लेंगे, तो आपके ज़िंदगी के मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे. आपकी जॉब है, आपकी जॉब में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो क्या जॉब आप में इंटरेस्ट लेगी? नहीं लेगी. और अगर जॉब के अंदर इंटरेस्ट लेते हो, आप एक चीज़ सोच लेते हैं कि ये वाले हालात, वो वाले हालात, इधर के हालात, उधर के हालात, तो इसका मतलब ये है कि आपका जॉब में इंटरेस्ट नहीं, उन हालात में इंटरेस्ट है. बुरे ख्यालात में, बुरे हालात में इंटरेस्ट वालों के हालात या ख्यालात अच्छे हो सकते हैं? नहीं. तो अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप अपने ख्याल का ख्याल रखें. आप क्या करें? जो लोग अपने ख्याल का ख्याल रखते हैं, वो लोगों का भी ख्याल रख रहे होते हैं, वो अपना भी ख्याल रख रहे होते हैं. और जो सिर्फ लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, वो अपने ख्याल का ख्याल नहीं रख पाते. इसीलिए हर वक्त क्या होते हैं? परेशान होते हैं, वो टेंस होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा होता. तो ज़रा मिलके एक जुमला बोलते हैं, कहिए, आज के बाद हम जिनमें इंटरेस्टेड हैं उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे. एम आई क्लियर? जब आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, तो यकीनन क्या होता है, फिर आप, जिस तरह मैं अक्सर ये कपल काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं इसमें ख़ास तौर पर मर्द हजरात से कहता हूँ कि आप चाहते हैं कि घर में सुकून हो, तो घर जाके मोबाइल यूज़ ना करें. ये जो स्क्रॉल करते रहते फेसबुक ऐसे, व्हाट्सएप वगैरह, ना करें. दूसरा, मैं उनसे कहता हूँ कि घर जाके बेगम साहिबा के इंटरेस्ट ड्रामा देखने में है. आप सिर्फ घर के अंदर ये पॉलिटिक्स वाले शोज़ देखना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी, आपको लगेगा आप घर आए हुए हैं. और बल्कि आप खाना खाते वक्त बेगम साहिबा से पूछें कि फ़लाँ लड़की का फिर क्या चला, वो जो उसके मसले चल रहे थे, उसकी फिर शादी हो गई, वो जो ड्रामास के अंदर किरदार होते हैं. जब आप इस तर्ज की गुफ्तगु अपनी बेगम साहिबा के साथ करते हैं, तो बुनियादी तौर पर वो मुकद्दस रिश्ता जो खुदा की अता है, आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं. जब आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे, तो उसके नतायज मुख्तलिफ निकलेंगे. एम आई क्लियर? तो खुदा हमें ये तौफीक अता फरमाए कि जिन में हम इंटरेस्टेड हैं, उनकी बेहतरी में हम इंटरेस्टेड हैं, तो उनके इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, ताकि हम भी उस नुकसान से महफूज रहें और आप भी उस नुकसान से महफूज रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.